आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, मोहम्मद तनवीर की खास खबर पर एक नजर। आज दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नीतियों को सही ठहराते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही दिल्ली के राज का दर्जा दिया। यानी चुनाव से पहले जो नीतियां आम आदमी पार्टी की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ही सही साबित कर दिया है। और जो फाइलें उपराज्यपाल ऑफिस में दबा दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल पाल को फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों पक्षों को अपना अपना काम ठीक तरीके से करना होगा। अगर दिल्ली सरकार कोई काम करती है तो उसकी सूचना उपराज्यपाल को देगी और उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी काम में बाधा नहीं डाले। एडवोकेट करुणेश शुक्ला ने हमारे संवाददाता मोहम्मद तनवीर ने को बताया कि अब दिल्ली की जनता ही दिल्ली की बॉस है। ये एक बड़ा सवाल था कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर साफ हो गया। कोर्ट ने ये भी कहा है कि एलजी ही एडमिनिस्ट्रेटर है। एलजी तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका अपना कार्य है, एलजी साहब का अपना कार्य है। लेकिन एक जो सिचुएशन और एक जो व्यवस्था जिसको क्लियर कर दिया गया है कि हर फैसला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, उस फैसला करने से पहले गवर्नमेंट के फैसले को ना माना जाए, क्योंकि वो दिल्ली के हित में नहीं है। वो उनको माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति जी का फैसला एलजी के ऊपर और दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर भी बाध्य होगा। सर, डे बाय डे के बारे में क्या कहेंगे? डे बाय डे जो डिसीजन होंगे वो कैसे डे टू डे फंक्शनिंग में हर कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड, और कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे मस्ट वर्क इन अ कोहेसिव मैनर एंड इट इज नॉट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मस्ट बी ऑन एवरी ट्रिवियल इशू। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।